नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में वाहनों की बिक्री में 43% गिरावट। अक्टूबर में नए वाहनों की संख्या में सुधार नहीं, साल के पहले 7 महीनों में बिक्री में आई गिरावट। शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव। शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन। सक्षमता परीक्षा पास करने वालों को मिलेगी प्राथमिकता। बिहार में 44 नए साइबर थाने स्थापित। जिलों में साइबर एसपी पदों पर होगी भर्ती। डीजीपी आलोक राज ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को मिला नया रास्ता। बिहार में खुला पहला सूखा बंदरगाह। 90 कंटेनरों की पहली खेप रूस रवाना। और सरफराज के घर गुजी किलकारिया पापा बने स्टार क्रिकेटर सरफराज खान। बर्थडे से 2 घंटे पहले ही हुआ बेटे का जन्म। अब खबरें विस्तार से। बिहार में इस वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीनों में वाहनों की बिक्री का ग्राफ निरंतर गिरता जा रहा है। इस बार की गिरावट 43% तक पहुंच गई है। अक्टूबर में भी नए वाहनों की सड़क पर आने की संख्या में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। मार्च और अप्रैल में बिक्री में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन सितंबर में स्थिति फिर से खराब हो गई। आंकड़ों के अनुसार सितंबर में मात्र 83,000 वाहनों की बिक्री हुई, जो पिछले वर्षों के मुकाबले कम थी। हर कैटेगरी में बिक्री में गिरावट आई है, जो बाजार के लिए चिंता का विषय है, लेकिन उत्सव के मौसम में बिक्री बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। राज्य सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब से स्कूलों में ट्रांसफर और आवंटन पूरी तरह से ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर पर आधारित होगा। इस प्रक्रिया में सबसे पहले सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षकों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद सॉफ्टवेयर रेंडमाइजेशन के आधार पर स्कूल आवंटित करेगा। अगर कोई शिक्षक अपने आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं है तो उसे फिर से सक्षमता परीक्षा देनी होगी और उसके अंकों को भी आवंटन में ध्यान में रखा जाएगा। ये पहल शिक्षकों के लिए एक नई शुरुआत है। डीजीपी आलोक राज ने पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में साइबर अपराध सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेलवे रेंज सहित सभी जिलों में 44 साइबर थाने स्थापित किए गए हैं और जल्द ही सभी जिलों में साइबर एसपी के पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। डीजीपी ने स्कूल पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जागरूकता ही बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। बिहार पुलिस साइबर अपराध से निपटने के लिए तैयार है और सभी स्तर के पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए नीतीश सरकार ने दिवाली से पहले एक खुशखबरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर शिक्षकों का इस महीने का वेतन 25 अक्टूबर को अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा। इस फैसले से करीब 10 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिससे वे दीपावली और छठ पर्व की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इस संबंध में विशेष आदेश जारी किया है। बता दें कि अक्टूबर माह के अंत में धनतेरस, दिवाली, भाई दूज और छठ महापर्व है, इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनकी दिवाली सुहावनी हो। अब इस निर्णय के आ जाने के बाद उन्हें समय पर सैलरी मिलने से राहत मिलेगी। बिहार ने अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना पहला सूखा बंदरगाह स्थापित किया है। पटना के बिहटा में स्थित इस इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने 90 कंटेनरों की पहली खेप को रूस के लिए रवाना किया, जिसमें खाद्य पदार्थ, जूते और स्टील के रस्से शामिल है। इस ड्राई पोर्ट के माध्यम से अब राज्य के निर्यातकों को दूर दूर के बंदरगाहों के कस्टम क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे केवल बिहार के उद्योगों को लाभ मिलेगा, बल्कि ये कृषि प्रधान राज्य के लिए अनाज और खाद्य वस्तु के निर्यात की अपार संभावनाएं भी खोलेगा। बीते दिनों कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में बिहार के 3 लोगों की जान चली गई थी। मृतकों में मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद कलीम मधेपुरा के निवासी थे, जबकि फहीम नसीर वैशाली जिले के चेहराकला अबाककपुर के रहने वाले थे। आज पटना एयरपोर्ट पर इन तीनों का शव पहुंचा, जिसके बाद माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। इस दुखद घटना के समय इन मजदूरों के साथ काम कर रहे अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। इस हमले ने न केवल इनके परिवारों को झकझोर दिया है, बल्कि पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई है।
पटना उच्च न्यायालय ने सशस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल FIR दर्ज होने के आधार पर किसी व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता। ये आदेश न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान किया, जिसमें उन्होंने सुपौल के DM द्वारा एक व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ महज प्राथमिकी दर्ज होना आपराधिक मामले के लंबित होने के बराबर नहीं है। वैशाली जिले के गोरौली प्रखंड में औचक निरीक्षण के दौरान कई शिक्षकों को कक्षा में मौजूद नहीं पाए जाने और मोबाइल पर फिल्में देखने के लिए पकड़ा गया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुलजारबाग की समीमा खातून, जाकिया खातून उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुंदोडी की शालिनी कुमारी, खुशबू कुमारी प्रखंड शिक्षिका स्वीटी कुमारी, नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय कुर्मी टोला लोदीपुर की प्रधानाध्यापिका छोटी कुमारी लाडली खातून मोबाइल पर फिल्में देख रहे थे। वही उत्क्रमित मध्य विद्यालय घोडिया बहादुर की प्रखंड शिक्षिका जिन्नत रूही अर्चना कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय देगनपुरा उर्दू की प्रखंड शिक्षक मोहम्मद नफीस आलम, मोहम्मद शमसाद आलम अपने अपने विद्यालय में टोली बनाकर एक साथ मोबाइल पर फिल्म देख रहे थे। इन शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए उनका एक दिन का वेतन काटा गया है। BEO ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना जिले के 7 निजी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन विद्यालयों ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने स्कूलों में नामांकित बच्चों की जानकारी देने में पूरी तरह से विफलता दिखाई। DEO संजय कुमार ने बताया कि इन स्कूलों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दी गई मान्यता रद्द की जाएगी। इन स्कूलों को हर हाल में बच्चों की संख्या, आधार कार्ड की स्थिति और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी थी, लेकिन अंतिम चेतावनी के बावजूद उन्होंने कोई कदम ही नहीं उठाया। अब इन विद्यालयों के खिलाफ मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखा गया है। बेटा प्रखंड का एक विद्यालय और पटना सदर शहरी प्रखंड के 6 विद्यालय इस कार्रवाई की चपेट में आए हैं। सरकारी विद्यालयों में दीपावली के अवसर पर केवल एक दिन की छुट्टी मिलने से शिक्षकों में निराशा है। 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले दीपावली के त्यौहार पर दूरदराज के शिक्षक अपने परिवारों के साथ नहीं रह पाएंगे। विशेषकर महिला शिक्षिकाओं की स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि 60% शिक्षिकाएं इस महापर्व का पालन स्वयं करती हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने 2024 की अवकाश तालिका में छठ पर्व के दौरान 7, 8 और 9 नवम्बर को छुट्टी दी है, लेकिन पर्व की शुरुआत 5 नवंबर से नहाए खाए के साथ होती है। इससे शिक्षिकाएं चिंता में है कि वे अपने पर्व को सही तरीके से नहीं मना पाएंगी। वही शिक्षकों ने अवकाश व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन किया। इस मेले में देश विदेश के पर्यटन उद्योग के 100 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी होने की संभावना है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार इसमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गोवा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और केरल के पर्यटन विभाग अपने स्टॉल के माध्यम से अपने अपने राज्यों के पर्यटन उत्पादों को प्रस्तुत करेंगे। इस मेले में नेपाल और भूटान के प्रतिनिधियों के साथ साथ अनेक टूर ऑपरेटर और ट्रेवल एजेंट भी शामिल होंगे। इधर बिहार के बांका जिले के बौसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक दिव्यांग युवक को गिरफ्तार किया, जो नकली पैर का उपयोग करके शराब की तस्करी कर रहा था। बता दें कि हसडीहा भागलपुर मुख्य मार्ग पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के चलते एक युवक को रोका गया। भागने की कोशिश करने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जांच में पता चला कि उसके कृत्रिम पैर के अंदर 15 बोतल अंग्रेजी शराब छुपाई गई है, जिनका कुल वजन 5 लीटर से अधिक था। इसके अलावा उसके स्कूटी के नीचे बने तहखाने से शराब की बोतलें बरामद की गई। युवक ने अपना नाम महेश कुमार लाल बताया और स्वीकार किया कि वे झारखंड से शराब लाकर भागलपुर में बेचा करता था। पटना सहित देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पटना एयरपोर्ट पर 30 दिनों का हाई अलर्ट घोषित किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बम की झूठी कॉल्स के मामलों में सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है, जिसमें अपराधियों को नो फ्लाई सूची में डालने का प्रावधान भी शामिल है। एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में जवान तैनात किए गए हैं।
एनडीए ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है तेज कर दी है। मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन होने जा रहा है। इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता भाग लेंगे और मुख्य रूप से चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में निचले स्तर पर समन्वय बेहतर करने के उपायों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के विकास कामों के प्रचार प्रसार और योजनाओं के लाभुकों से फीडबैक लेने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही राज्य में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी विचार किया जाएगा। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम के उभरते सितारे सरफराज खान के घर एक नए मेहमान का आगमन हुआ है। उनकी पत्नी रोमाना जहूर ने 21 अक्टूबर 2024 की रात को बेटे को जन्म दिया। इस खुशी को सरफराज ने अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए साझा किया और आज 22 अक्टूबर को सरफराज का जन्मदिन भी है और उनके फैंस जो है उन्हें इस खास मौके पर पिता बनने की खुशी के साथ साथ जन्मदिन की भी डबल बधाई दे रहे हैं। बता दें कि सरफराज ने अपने करियर में कई मुश्किलों का सामना किया लेकिन हमेशा सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहे। उनके पिता नौशाद खान ने हर परिस्थिति में उनका समर्थन किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आसिफ हुसैन, रामबाबू दास, छोटू रजा, अशोक कुमार, रवि मोहन वर्मा, मंगल पासवान, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद अजमेर, कामेश्वर सिंह, गोनर शर्मा, रंजीत शर्मा, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, घनश्याम खरवार, दुलार चंद कुमार, दीपक कुमार, भरत कुमार शर्मा, एफ एस अमजद, आलोक प्रियदर्शी, मोहम्मद असलम, नौशाद रजा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, क्या आपके पास कोई ऐसी आदत है जिसे आप बदलना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।